नरसिंहपुर जिले में जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ रहा है, वैसे वैसे आरोप एवं प्रत्यारोप का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। नरसिंहपुर विधानसभा से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह पटेल, जो मंत्री भी हैं, वो बीजेपी से चुनाव मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस से लाखन सिंह पटेल पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कल ही लाखन सिंह ने आरोप लगाया है कि नरसिंहपुर विधानसभा सीट में मंत्री जालम सिंह एवं उनके बेटे सहित उनके साथियों को खौफ है और उन्होंने भय और आतंक का वातावरण बनाया हुआ है। इस पर मंत्री जालम सिंह ने उल्टा कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस ज्यादा गुंडागर्दी करती रही है। कांग्रेस का पुराना धंधा रहा है कि पहले फसाओ फिर थाने कचहरी में दलाली करो। हमारा जिला शांति प्रिय जिला है, कांग्रेस तिल मिला रही है और जो काम वह करती है उसका दूसरों पर इल्जाम लगा रही है। वैसे अभी दुष्प्रचार में कांग्रेस काफी आगे चल रही है। क्षेत्र हमारा नरसिंहपुर जिला है, प्रधानसभा क्षेत्र में भी, और ज्यादा गुंडागर्दी कांग्रेस ज्यादा गुंडागर्दी कर लोगों को फंसाने का काम उनका एक पुराना एक उनका धंधा और व्यापार था। पहले फंसाओ फिर पैसा लो फिर थाने में दलाली करो कचहरी में दलाली करो, तो उसमें बहुत तिलमिलाहट है। कांग्रेस को जो काम वो स्वयं करती है वो दूसरों से, अभी तो दुष्प्रचार में बहुत आगे। नरसिंहपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भय आतंक का वातावरण है। माननीय मंत्री जी के बेटे और उनकी पूरी टीम ने पूरे नरसिंहपुर विधानसभा को कैप्चर करके रखा है। कोई भी वर्ग का व्यापारी जो है शांति से स्वतंत्र वातावरण में नहीं जी रहा है। हर जगह दहशत का वातावरण बना हुआ है और